नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही आसान और बिल्कुल आप सबने इस चीज़ को देखा होगा कहीं ना कहीं और खाया भी होगा। अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं इसे, और इसे तरुई और या झींगा भी बोलते हैं या झींगे बोलते हैं। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स, चने दाल के साथ भी होता है, बहुत तरह से मसाले डाल के बनते हैं, बहुत तरह से रेसिपी। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे चाहूँगी कि आप एक इस रेसिपी को जो है इस तरह से अगर बनाएं और इस तरह से एक बार ट्राई करें, कोशिश करें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी हाँ, इसके साथ जो पोस्तो आता है, ये पोस्तो के जो कॉम्बिनेशन के साथ अगर इसकी सब्जी आप बनाएंगे तो लाजवाब टेस्ट मिलता है, और बहुत ही आसान और बहुत ही कम चीज़ों में बहुत जल्दी से ये बन जाता है। बहुत इसमें लेस ऑयल लगते हैं। तो पोस्तो कैसा होता है और ये इस तरह से दिखता है आपको, जिसे खसखस भी लोग बोलते हैं, तो इस तरह से जो आपको है बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह से देखते हैं। तो मैंने इसको क्या है सोख करके एक दो घंटा पहले रख दिया है। तो अभी इसको सबसे पहले जो है हम झींगे जो है इसको पहले हम पील करेंगे, छीलेंगे और इसे स्क्वायर शेप में काट के रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है हमें झींगे को काट लेना है, तरोई को इस तरह से शेप में काट लेना है। और काटने के बाद तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैस स्टोव ऑन है, कढ़ाई को रख लिया है, पैन भी गर्म हो चुका है। तो अब जो है हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, करीब एक टेबल स्पून, इतना ज़्यादा नहीं। और दो सूखी मिर्च है वो हम डालेंगे, और ये काला जीरा है वो हम इसके अंदर डालेंगे, जिसे कलौंजी बोलते हैं। इसको थोड़ा सा बस हम चलाएंगे, फ्राई कीजिएगा। और ये जो है अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब जो है हल्दी पाउडर है एक टीस्पून के करीब है, तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें जो है नमक हम एक टीस्पून जो है डालेंगे। अब नमक जो है फ्रेंड्स स्वाद अनुसार डालिएगा, और ये एक केजी जो झींगा है तो उसी हिसाब से एक टीस्पून के करीब नमक डालेंगे। हम डालते ही फ्रेंड्स ये जो है सब्जी में पानी छोड़ने लगा, तो अब जो है इसे हम ढक के 5 से 7 मिनट तक कुक कर देंगे। 5 से 7 मिनट हो गया, तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से हो गया फ्रेंड्स 5 से 7 मिनट में। तो अभी जो इसमें है, हमने ये जो पोस्तो था, जो पॉपी सीड्स थे, उसका पेस्ट बना लिया है, तो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये 2-3 हरी मिर्च है जिसको हमने बीच से काट लिया है, वो इसके अंदर डालेंगे। ये 1/2 टीस्पून चीनी है वो इसमें डालेंगे, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है फ्रेंड्स। ये देखिए कितना हमारा सब्जी बढ़िया बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो इतना ही हमें रखना है, ज़्यादा इसे ये नहीं करना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ज़्यादा थिक नहीं करना। तो अभी जो है अब इसे हम सर्व कर लेंगे। ये हमारे पोस्ते और झींगे का जो स्वादिष्ट सब्जी है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इस तरह से फ्रेंड्स आसानी से जो है घर पे बना सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, और इसे रोटी और चावल के साथ सर्व कीजिए। खाने में बहुत ही टेस्टी, हेल्दी भी है, क्योंकि बहुत ही कम तेल में, बहुत ही कम सामानों से ये तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।